हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं राहुल परमार आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज़ जो कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट की 15th यूनिट है। तो बुक आप अपने साथ रखिएगा पेज नंबर 168 पे। तो जो भी हम मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं शॉर्ट में यहाँ आपके सामने स्लाइड के रूप में आपको दिखा सकूँ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा पेज वाइज पेज ना पढ़ना पड़े और आपका इसी से कवर अप हो जाए। फिर भी कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम बुक को कंसिडर करेंगे। तो पेज नंबर 168 पे जहाँ दे रखा है टाइम सीरीज़ के बारे में और यहाँ मैंने शॉर्ट में इसे मेंशन भी करा है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं टाइम सीरीज़ के बारे में और इससे रिलेटेड आगे क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं और किस प्रकार से केस स्टडी आता है वो सब हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड टू मेजर द टाइम बेस्ड डेटा ओवर अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम सीरीज। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक रहती है जो अप्लाई करा जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को मापने के लिए, बेस्ड डेटा ओवर अ टाइम, एक निश्चित समय के अनुसार, उसको टाइम सीरीज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 168 पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है जिसमें ये बताया गया है कि इन दिस यूनिट वी विल डील विथ चेंजेस दैट अकर विथ टाइम, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टिंग सच टाइम बेस्ड चेंजेस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ओके, तो उसी को हम टाइम सीरीज कहते हैं। एंड वी विल लर्न द फोर कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। यहाँ टाइम सीरीज के चार मुख्य कंपोनेंट हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे जो कि आगे आपको दिया रखा रहेगा। एंड वी विल लुक एट सीजनल इंडिसेस एंड सी हाउ टू यूज देम टू डी सीजनलाइज टाइम सीरीज। ओके, और हम जो सीजनल इंडिसेस हैं वो भी, उसके बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कैसे हम उसको डी सीजनलाइज कर सकते हैं। वी विल लर्न हाउ टू एनालाइज साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज एंड यूज रिग्रेशन बेस्ड टेक्निक्स टू एस्टिमेट एंड फोरकास्ट द ट्रेंड इन अ टाइम सीरीज। वी विल डील साइमल्टेनियसली विद ऑल फोर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज एंड सी हाउ टू यूज टाइम सीरीज फॉर फोरकास्टिंग। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको बता रहा है कि इस बुक में आप या इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने चाह रहे हैं। फिर दे रखा है यहाँ, आप स्लाइड में देखिए, डेटा कैन बी टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। डेटा जो है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के टर्म में हो सकता है, वीकली पोजीशन ऑफ बैंक डिपॉजिट के टर्म में हो सकता है, रेट्स ऑफ फॉरेन करेंसी एटसेट्रा। ओके, और इसे मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है ये भी दे रखा है। इट इज एक्सप्रेस एज वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में है टी। यहाँ वाई का मतलब है वाई इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट टाइम टी। तो वैल्यू ऑफ टी कैन बी आर्ली, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एट्सेट्रा। यहाँ जो स्मॉल टी की बात करी जा रही है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि घंटे में भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 168 पे जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। नथिंग स्टेज द सेम, कुछ भी सेम नहीं रहता है। विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस, समय के अनुसार हर कुछ बदलता है। इट इज़ ऑलवेज एज्यूम्ड दैट ग्रोथ इज़ गुड एंड द इकोनॉमी बिकम्स बेटर। ये हमेशा से एज्यूम करा गया है कि जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर होती है। आइदर ग्रोज और स्टैगनेट यूज टू बी द स्लोगन अर्लियर। पहले ऐसा स्लोगन भी चलता था कि या तो आप बढ़िए या फिर स्थिर रहिए। बट ग्रोथ इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज गुड, लेकिन हमेशा ग्रोथ जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी ही हो। इनफैक्ट वी वॉन्ट टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ सम सिटीज रीजन्स टू अवॉइड पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। कभी कभी हम ग्रोथ को लिमिट करते हैं कुछ शहरों के लिए, रीजन्स के लिए, जिससे कि पॉल्यूशन एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करा जाए। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, पेज नंबर 168 में इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा हूँ जहाँ आपको इसमें बताया गया है और डिटेल में। इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस वी हैव टू डिफाइन ग्रोथ एंड चेंज सो एज टू हेल्प इन प्लानिंग। ओके, इस प्रकार के जो एनवायरमेंट है हमें ग्रोथ को डिफाइन करना है और जो भी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं एज टू हेल्प इन प्लानिंग। एंड वी विल हैव टू फोरकास्ट चेंज ओवर टाइम एज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न हाउ टू मेजर्स अमाउंट एंड रेट ऑफ चेंज। यह हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप मेज़र करेंगे अमाउंट्स एंड रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है।
वी नीड टू बी केयरफुल वाइल प्रिडिक्टिंग द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन अ फैक्ट्री। यहाँ एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया गया है कि जो भी उसमें इन्वेंट्री यूज़ होती हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल, हमें इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे वाइल प्रिडिक्टिंग द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन अ फैक्ट्री, अनलेस वी प्रिडिक्ट करेक्टली। अगर हम सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वी मे आइदर हैव एक्सेस और लेस, हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सेकेंडली, दिस में लीड टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम, और दूसरा, हमें अगर हमने सही नहीं प्रिडिक्ट करा तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ सकती हैं इफ़ वी हैव टू अरेंज फॉर सडन ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल्स। थर्डली, मतलब अगर हमें तुरंत ऑर्डर करना पड़े मटेरियल को, एंड थर्डली दिस में लीड टू कॉस्ट एस्केलेशन, और इससे कॉस्ट एस्केलेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, और डिलीवरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो वी विल ऑल्सो सी हाउ टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ चेंज और सेक्युलर ट्रेंड। अलॉन्ग विद लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, वी विल स्टडी अबाउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। जो लॉन्ग टर्म के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कि सीजनल ट्रेंड हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, या इरेगुलर वेरिएशन। तो सेक्युलर ट्रेंड इज कॉज्ड बाय बेसिक इनहेरेंट फैक्टर्स, बिजनेस साइकिल ट्रेंड्स आर मोस्टली अपवर्ड, द क्वालिटी ऑफ फॉरकास्ट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पास्ट डेटा एंड इट्स वैलिडिटी। जो फॉरकास्ट, जो भविष्यवाणी करी जाती है मौसम विभाग की, तो क्वालिटी ऑफ फॉरकास्ट डिपेंड किस पे करता है, ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पास्ट डेटा एंड इट्स वैलिडिटी। और डेटा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज। जो भी डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, सांख्यिकी जानकारी जो दी जाती है रेगुलर इंटरवल पे, उसको टाइम सीरीज कहा जाता है। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा ना समझें कि मैं यहाँ तो बुक्स को पढ़ना ही स्टार्ट कर दिया है, लाइन बाई लाइन पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको ब्रीफली जानकारी दे रहा है कि आप पूरे इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको पढ़ना बेहतर समझता हूँ, जिससे कि आपके लिए समझने में और ज़्यादा ईजी हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ टाइम सीरीज़ को हमने इस तरीके से मेंशन करा है, इट टाइम सीरीज हैज़ टू वेरिएबल्स। टाइम सीरीज़ के यहाँ दो मुख्य वेरिएबल हैं। पहला है टाइम, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समय, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा है वाई, द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ दे रखा है कि व्हेन टाइम सीरीज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज शोन एंड ऑन वाई एक्सिस अदर वेरिएबल इज शोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्राफ के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करी है, यहाँ एक ग्राफ बनाया है जिसमें आपको नीचे जो आप देख रहे हैं वो एक टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर्ड है, तो आप देख सकते हैं 1971, 75, 79 इस तरीके से करके यहाँ समय दिया है, ईयर्स दिए हैं। और यहाँ आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ आपको दे रखा है गोल्ड प्राइस कि कैसे कैसे गोल्ड प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि 1971 में गोल्ड के प्राइस क्या थे, फिर 75 में कितने हुए, फिर 79 में कितने हुए, एकदम से उछाल आया, फिर नीचे गया। आप जैसा कि देखते हैं कि गोल्ड के प्राइस या बाकी सब चीज़ों के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये समय के अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं, और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन टाइम सीरीज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज शोन, तो यहाँ जो एक्स एक्सिस है यहाँ आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस अदर वेरिएबल इज शोन, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ आपको गोल्ड के प्राइसेस दे रखा है कि कैसे अकॉर्डिंग टू द टाइम गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह टाइम के दो वेरिएबल दिखाए हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, दूसरा है वाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे आते हैं, अब जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज है जो आप देख रहे हैं पेज नंबर 168 पे, 15.2 वेरिएशंस इन द टाइम सीरीज। देर आर फोर टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन टाइम सीरीज, जो है फोर कंपोनेंट टाइम सीरीज के। पहला सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा सीजनल वेरिएशन, फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, देन इरेगुलर वेरिएशन। तो ये चार क्या क्या हैं और किस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम के ज़रिए सेक्युलर ट्रेंड में दिखाया है कि सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है। फटाफट से पढ़ लेते हैं,
पेज नंबर 169 पे। इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन द चेंज कम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेक्युलर ट्रेंड को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ जो चेंजेस आते हैं वो एक लंबी अवधि के समय के अनुसार आते हैं। स्टेडी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग रिकॉर्डेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ गुड एग्जांपल। और यहाँ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर इज अ फ्लक्चुएशन, साल दर साल फ्लक्चुएशन रहता है, बट देर इज़ अ स्टेडी इंक्रीज इन द ट्रेंड। लेकिन इस ट्रेंड में आपको एक स्टेडी इंक्रीज दिखाई देगा, मतलब ये नहीं कि एकदम से वो 50 से 1000 चला गया, वो एक एक इंक्रीज दिखाई देगा लेकिन एक स्टेडी वे में। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ ग्राफ से दिखाया है कि यहाँ किस तरीके से ये साल दर साल ऊपर की तरफ जा रहा है, सेक्युलर ट्रेंड। फिर आता है आपका सेकंड सीजनल वेरिएशन। ओके, तो सीजनल वेरिएशन यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 170 में कि देर इज़ अ पैटर्न ऑफ चेंज विद इन अ ईयर, कि यहाँ एक पैटर्न है चेंज का एक विद इन अ ईयर, साल भर के अंदर। ए डॉक्टर कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ फ्लू केसेस टू इंक्रीज इन विंटर। अब जैसे एक कोई भी डॉक्टर है वो फ्लू केसेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कब कर सकता है, विंटर के सीज़न में। या हिल रिजॉर्ट कैन एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट ड्यूरिंग अ समर, या जो हिल रिजॉर्ट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट समर के समय में। दीज आर रेगुलर पैटर्न्स, ये एक रेगुलर पैटर्न्स हैं एंड कैन बी यूज फॉर फोरकास्टिंग द अमाउंट ऑफ फ्लू वैक्सीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विंटर। और इन्हें यूज़ करा जा सकता है ये फॉरकास्ट करने के लिए कि कब सबसे ज़्यादा फ्लू की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होगी। द डॉक्टर्स इनकम ड्यूरिंग विंटर, डॉक्टर की इनकम विंटर में क्या होगी। द होटल बुकिंग इन रिजॉर्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड ट्रेन बुकिंग। तो ऐसा होता है ना कि सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। बहुत सी जगह है, बहुत सी घूमने वाली जगह हैं जहाँ मोस्टली लोग ऐसे समय पर ही जाते हैं। तो सीजनल वेरिएशन यानी कि जो सीज़न के अकॉर्डिंग हो, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वो यहाँ देखिए दिखाया है सीजनल वेरिएशन। यहाँ आप इसमें दिस वन, ये ईयर्स है और ये सीजनल वेरिएशन इस तरीके से रहता है। फिर आ जाता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। अब पेज नंबर 170 पे ही साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के बारे में दे रखा है कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन अ बिजनेस इज अ बिजनेस साइकिल। यहाँ सबसे कॉमन एग्जांपल साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का है बिजनेस साइकिल। ओवर टाइम देर आर ईयर्स व्हेन बिजनेस साइकिल हिट्स पीक अबव द ट्रेंड लाइन। एक समय बाद वो देर आर ईयर्स, कुछ साल ऐसे भी रहते हैं जब बिजनेस साइकिल जो है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर पीक समय पे होती है। देर आर ऑल्सो टाइम्स व्हेन बिजनेस एक्टिविटी स्लम्प्स, ऐसा भी समय आता है जब बिजनेस एक्टिविटी हमारी गिरती है, थोड़ा सा अस्थिर होती है एंड हिट्स अ पॉइंट बिलो द ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के बिलो भी जाती है। फ्लक्चुएशन इज बिजनेस एक्टिविटी अकर मैनी टाइम्स, बिजनेस एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस कई बार होते हैं एंड दे हैव इरेगुलर पीरियड्स, और उनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, इरेगुलर रहता है एंड वेरी वाइडली इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। द टाइम बिटवीन हिटिंग पीक्स एंड लोअर लोज आर पीरियड्स, इट कैन बी वन और मैनी। द साइक्लिकल मूव्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न, यहाँ कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं रहता है, दे आर इरेगुलर। ये आप समझते होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि भाई बिजनेस ऐसी चीज़ है कि जो एक समय आता है कि डाउन रहता है, फिर धीरे धीरे अप रहता है, फिर वो ट्रेंड से ऊपर आता है, एक समय वो पीक पे आ जाता है, फिर दोबारा एक साइकिल आती है जो वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये रेगुलर होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। यहाँ आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा और ये सब चीज़ आप क्यों पढ़ रहे हो और आगे इसका क्या कनेक्शन रहेगा वो भी आप आके समझ जाएंगे। फिर आता है इरेगुलर वेरिएशन। तो इरेगुलर वेरिएशन क्या है वो समझ लेते हैं पेज नंबर 170 पे ही। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इम्प्रेडिक्टेबल, चेंजिंग इन अ रैंडम मैनर। द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अब जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया या वॉर, या बहुत ताज़ा एग्जांपल लें तो आजकल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लॉकडाउन का समय है, कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश पूरी दुनिया जो अपने घर में बंद होकर रह गई है, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जिसने चीज़ों को एकदम से अस्थिर कर दिया है, जहाँ इकोनॉमी किस तरीके से इफ़ेक्ट हुई है इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है।
तो कुछ इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो इट कम्स इन इरेगुलर वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड, एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अदर अनएक्सपेक्टेड थिंग। जैसे फ्लड की बात है तो एग्रीकल्चर आउटपुट सफर्स, देन द प्राइस गो अप एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, दिस कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग टाइम सीरीज। किसने इमेजिन करा था आज से 2-3 महीने पहले कि एक समय आएगा जहां भारत में इतना लंबा समय का लॉकडाउन चलेगा, सब अपने घर में सब बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी चरमरा जाएगी और उसके बाद जो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के महंगाई तक, इन्फ्लेशन तक, तो वो सब चीज़ें आप पहले से नहीं जज कर सकते हो। तो इवन दो वी डिस्क्राइब्ड टाइम सीरीज एज एग्जिबिटिंग वन ऑन अनदर वेरिएशन, इन मोस्ट इंस्टेंसेज रियल टाइम सीरीज विल कंटेन सेवरल ऑफ दीज कंपोनेंट, देन द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर देम। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आप समझ गए होंगे, सेक्युलर ट्रेंड जो लॉन्ग पीरियड पे लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला, सीजनल जो सीजन से रिलेटेड रहता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल ही बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है, इरेगुलर वेरिएशन जहाँ आपको पहले से नहीं पता होता है कि आने वाले समय में क्या आपदा आएगी। तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर दे रखा है वही आ गया जो मैंने आपको बताया टाइम सीरीज में, पहला वाला सेक्युलर ट्रेंड या जिसे हम लॉन्ग टाइम ग्रोथ कहते हैं, इट रेफर्स टू जनरल टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा टू इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम पीरियड, हैंस अ जनरल राइज इन द टाइम सीरीज अ सेक्युलर ट्रेंड। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा। फिर दे रखा है द ट्रेंड कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, इट कैन बी लीनियर और ये लीनियर भी हो सकता है। When rate of change remains constant, linear का मतलब जब जो rate of change है वो constant रहे, या non-linear मतलब constant ना रहे। तो यहाँ example के तौर पे आपको दिखाया है, जैसे यहाँ आपको वर्ष दिखा रखे हैं, वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और number of units दे रखा है कि 2003 में मान लीजिए 980 units उसकी बनती थी, 2004 में 1050 हो गई, 2005 में 1160 हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है कि समय दर समय चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो वो आपका सेक्युलर सेक्युलर ट्रेंड में आता है। फिर दे रखा है कि व्हेन द ट्रेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ट्रेंड को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं वो कहलाता है लीनियर ट्रेंड। द इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन को एस्टिमेट करती है वो इक्वेशन किस तरीके से आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 170 में, जैसा कि दे भी रखा है कि ऑफ द 4 वेरिएशन सेक्युलर ट्रेंड रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, और फिगर 15.1 ए में उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, 15.1 ए, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, वी कैन विजुअली फिट अ लाइन इन द ग्राफ शीट, स्टडी ऑफ द ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड इवेंट्स फॉर सडन अनयूजुअल चेंज, स्टडिंग ट्रेंड ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोजेक्ट ट्रेंड्स इन टू द फ्यूचर, इवन अ सडन चेंज इन द पास्ट ड्यू टू अ सिचुएशन जैसे कि वॉर एट्सेट्रा कैन बी यूज टू प्रोडिक्ट द ट्रेंड इफ अ सिमिलर सडन चेंज हैपन्स। तो ट्रेंड्स कैन बी लीनियर और कर्विलीनियर, ट्रेंड दैट कैन बी डिस्क्राइब बाई अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है कि ऐसी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन फॉर एस्टिमेटिंग अ स्ट्रेट लाइन वो क्या है, वाई के ऊपर एक छतरी सी आपको बनानी है, इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अभी ए प्लस बी एक्स क्या है, ये इक्वेशन है इसका, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ वाई जो है एक एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने इससे पहले आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें मैंने बोला था कि 2 कंपोनेंट्स हैं, एक टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक दूसरा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ दे रखा है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, तो एक्स इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है कि b इज इक्वल टू ऐसे का आपके सामने दिया है एक्स वाई माइनस ये, तो इसे हम आगे और पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला भी आपके सामने, y इज इक्वल टू ए प्लस
पी एक्स, ठीक है। तो जिस तरीके दे रखा है कि बी इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, अभी इसको लेके कंफ्यूज मत हो आप, ये ध्यान रखिए वाई इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। इसको मैं आगे और जब आपको क्लियर करूँगा तब आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। अभी ट्रेंड एनालिसिस आ गया, ट्रेंड एनालिसिस क्या है चलिए इसको हम कवर करते हैं सेकेंड वीडियो में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।